नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि अब ऑफिसर बनने की राह आपके लिए आसान हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हजारों भर्तियां लेकर के आ रहा है। जो 2017 से ये भर्तियां रुक गई थी और उनमें भर्तियां आना बंद हो गई थी, वो अब खुल रही हैं धीरे धीरे। उसमें से 7500 पद, जी हाँ, 7500 पदों पर अध्याचन तैयार हो चुका है, जिसमें से 4500 पदों पर सीधी भर्ती होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा है दैनिक जागरण उसके तीसरे नंबर पृष्ठ पर आज 3 फरवरी के डेट में, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती निकलेगी और क्या परीक्षा कैलेंडर में बदलाव होगा। तो परीक्षा कैलेंडर में देखिए बदलाव के लिए इसमें निकला हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने के बाद भर्ती जल्द पूरा करना चाहता है, इसके लिए लिखित परीक्षा व इंटरव्यू जल्द कराया जाएगा। इससे 2020 के परीक्षा कैलेंडर में बदलाव किया जाएगा। आयोग ने 10 जनवरी को जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया था उसमें 16 परीक्षाएं कराने का जिक्र था, बाद में उसमें आरओ एआरओ 2016 की परीक्षा जोड़ी गई। नया विज्ञापन निकलने पर कैलेंडर में परीक्षाओं की संख्या में इजाफा होगा। अब देखते हैं कौन कौन सी पदों पर भर्तियां निकलेंगी। तो ये है उसका, और इसमें है आयोग की ओर से कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसमें पीसीएसजे 2018 के, मतलब जो जज होते हैं, 95 पद उसमें निकलेंगे। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2017 के 544 व 2018 के 462, मतलब 2017 और 2018 दोनों को मिलाकर के 544 और 462 अलग अलग निकलेगी। अपर निजी सचिव के 186, अपर निजी सचिव सचिवालय व लोक सेवा आयोग के 230, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 258, एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 1798, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 257, सहायक आचार्य एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के 700, शोध अधिकारी के 56, सहायक रेडियो अधिकारी के 12, पशु चिकित्सा अधिकारी के 58, पुस्तकालय अध्यक्ष के 110 सहित कंप्यूटर स्टाफ, कंप्यूटर सहायक स्टाफ, नर्स सहायक आदि, अध्यापक आदि की भर्तियां शामिल हैं। तो कुल मिला के आपको 7500 भर्तियों का अध्याचन मिलेगा और ये भर्तियां फरवरी से मार्च में इसका जहां तक है विज्ञापन आना चालू हो जाएगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तैयारी अपनी तेज कर दीजिए, जितना हो सके उतना तेज कर दीजिए, क्योंकि ये 2020 बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी तो सिर्फ इतनी भर्तियों का विज्ञापन के बारे में बात हो रही है, जहां तक मेरी उम्मीद है भर्तियों की संख्या और बढ़ेगी, चाहे वो UPSC हो, UPSSSC हो, क्योंकि 2022 में चुनाव है तो सरकार इस मामले में भी अब तेजी ले आएगी चुनाव को देखते हुए। तो इसलिए आपको जो है अपनी तैयारी में धार देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिल्कुल धीमा नहीं पड़ना है, और इस साल आप एक नौकरी लेकर जा सकते हैं, 7500 में एक पद आपका भी हो सकता है। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो और इसी तरह के स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको चाहिए हो तो इस चैनल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन हिट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।